हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर दोस्तों पांच इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से दोस्तों जो पांच नंबर की सेटिंग है ना, आपके मोबाइल फोन की दोस्तों बैटरी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी 80% से दोस्तों ज्यादा। यानी कि दोस्तों जो पहले आपका मोबाइल फोन का बैटरी बैकअप 24 घंटे होता था, अब वो दोस्तों कम से कम 72 घंटे 48 घंटे इतना बैकअप आपको देने लगेगा। बहुत ही दोस्तों कमाल का यूनिक ट्रिक है। और बाकी के दोस्तों जो चार ट्रिक है ना, वो दोस्तों आपके सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देंगे। यानी कि दोस्तों आप कभी भी हैक नहीं हो पाओगे। बहुत ही दोस्तों मजेदार और कमाल का ट्रिक है, आपको भी पता होना चाहिए और आपके फैमिली परिवार में भी सभी को पता होना चाहिए, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सिक्योर भी रह सके और अपने मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप को दोस्तों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों यदि आपको जानना है ये सारा सीक्रेट और पांचों सेटिंग के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को बस ध्यान से देखना है। देखने के बाद दोस्तों आपको भी अपने फोन के अंदर इसे अप्लाई करना है। और यदि दोस्तों आपको भी फायदा मिलता है, तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फैमिली परिवार के अंदर दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलते हैं दोस्तों फटाफट से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, दोस्तों इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी और दोस्तों मोबाइल फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा इनहेंस दोस्तों सिक्योर करना चाहते हो, तो बस इस वीडियो को बस ध्यान से देखना बिना स्किप के। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं। यहां पे दोस्तों मैं एक एक करके पांच सेटिंग बताऊंगा। दोस्तों पांच नंबर की जो सेटिंग है ना, काफी ज्यादा वीआईपी है दोस्तों। आपके मोबाइल फोन की दोस्तों जो बैटरी बैकअप है ना दोस्तों, कम से कम 3 से 4 गुना इंक्रीज कर देगी। तो दोस्तों आपको यहां पे सबसे पहला यहां पे दोस्तों 3 लाइन मिल जाता है जब भी दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे। अब दोस्तों यहां पे आपको सेटिंग में आ रहे हैं। हर किसी के दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर होता है, और उसके अंदर दोस्तों यहां पे आओगे तो आपको सेटिंग मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे जो पहला सेटिंग दोस्तों जो निकल के आता है ना, सबसे पहले आपको यहां पे दोस्तों प्राइवेसी एंड दोस्तों सिक्योरिटी का होता है। अब दोस्तों यहां पे जो फर्स्ट नंबर का दोस्तों जो सेटिंग है ना, सेफ ब्राउजिंग का। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या होने वाला है कि दोस्तों ये जो सेटिंग है ना, आपके दोस्तों सिक्योरिटी और दोस्तों प्राइवेसी को दोस्तों बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगा। बट दोस्तों आपको कैसे होगा पता रहेगा तभी होगा, जो कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों यहां पे यदि ऑलरेडी जब आप इसे ओपन करोगे तो दोस्तों आपको यहां पे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे दोस्तों क्लिक होगा, बट दोस्तों यहां पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहां पे दोस्तों आपको हैंड्स प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों ये क्यों करना है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप ये जान लोगे तो दोस्तों और भी किसी को बता सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जो कि दोस्तों सिक्योर नहीं है, तो दोस्तों वो वेबसाइट क्या करती है कि दोस्तों छोटे छोटे जो कुकीज होते हैं या फिर दोस्तों कोई फाइल होता है, जो कोई एक्सटेंशन होता है दोस्तों, वो गलत तरीके से दोस्तों आपके फोन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। जब दोस्तों गलत तरीके से फाइल वगैरह एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल हो जाता है, कहीं ऐसे दोस्तों गलत वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, तो दोस्तों ये आपको सिक्योर करेगा, सेफ रखेगा, उस दोस्तों वेबसाइट पे आप नहीं जाओगे और दोस्तों आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। यानी कि दोस्तों कोई भी फाइल वगैरह दोस्तों इंस्टॉल होने से आपके फोन के अंदर, यानी कि दोस्तों डाउनलोड होने से, ये दोस्तों आपको बचाएगा और काफी ज्यादा सिक्योर रखेगा। जैसे कि दोस्तों गूगल है ना, ये दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी ब्राउजिंग करते हो दोस्तों, उसे इनहेंस कर देगा, फास्ट कर देगा, डेंजरस वेबसाइट पे दोस्तों आपको ले जाने से बचाएगा। आपके फोन के अंदर कोई सी भी दोस्तों वेबसाइट से जो फाइल होते हैं एक्सटेंशन, वो डाउनलोड नहीं होगी, तो दोस्तों इस तरह से आप सेफ रहोगे। तो दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पे जो सेकंड नंबर का दोस्तों जो सेटिंग है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि मान लो आप यहां पे ये जो सेकंड नंबर का फीचर है दोस्तों, इसे ऑन रखना है, जो कि ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो HTTPS जो लिखा है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि दोस्तों हम HTTP दोस्तों इस टाइप की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, एस नहीं लगा होता है, तो दोस्तों यहां पे आपको क्या है कि ये दोस्तों जो गलत वेबसाइट होती है ना दोस्तों, वहां पे जाके आपकी जो फोन की इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि दोस्तों बैंक डिटेल वगैरह बहुत सारी चीजें दोस्तों, वो आपके डेटा से चुरा लेते हैं। आपके फोन के अंदर दोस्तों जो डेटा बनता है ना कुकीज के माध्यम से, दोस्तों वो अपनी वेबसाइट पे सेव कर लेते हैं, उसे चुरा लेते हैं और दोस्तों ब्लैक मार्केट में इसे अच्छे दामों में बेच देते हैं, और जिससे कि दोस्तों आपका यहाँ पे खतरा जो है ना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको इसे ऑन रखना है, ताकि दोस्तों जब भी आप ब्राउजिंग करो, सेफ वेबसाइट पे ब्राउजिंग करो, दोस्तों यहाँ पे जो गलत वेबसाइट होगी ना बिना HTTPS वाली, दोस्तों वो वेबसाइट आपके गूगल के अंदर ओपन ही नहीं होएगी। तो दोस्तों आपको यहां पे इसे ऑन जरूर करना है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं, यहां पे जो थर्ड नंबर की जो ट्रिक है ना, आपको दोस्तों यहां पे डू नॉट ट्रैक का दोस्तों एक फीचर्स मिल जाता है, जो कि आपको यहां पे इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फोन दोस्तों कभी इन फ्यूचर हैक होता है, तो दोस्तों जब आपका फोन हैक होगा तो आपकी दोस्तों बैटरी भी दोस्तों डिक्रीज होगी, यानी कि दोस्तों बैटरी बहुत जल्दी खर्च होगी,
क्योंकि दोस्तों आपका फोन भी गर्म होने लगता है। यदि दोस्तों आपका फोन हैक करता है तो दोस्तों आपकी बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होने लगी, आपका फोन गर्म होने लगेगा, आपका दोस्तों इंटरनेट भी खत्म होने लगेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसीलिए ये सारी सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं ताकि दोस्तों आप सिक्योर रहो, सेफ रहो और दोस्तों आपके मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप काफी ज्यादा इनहेंस हो जाए। दोस्तों जैसे कि आप इस फीचर्स को यदि यहां से ऑन कर देते हो और दोस्तों आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी पेज पे जाते हो, तो दोस्तों वो पेज जो है ना आपको ट्रैक नहीं करेगा, या फिर दोस्तों अटैकर्स होते हैं ना वो आपको यहां पे ट्रैक नहीं कर सकते। यहां पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, यहां से आपका जो डेटा है ना जो वेबसाइट कलेक्ट करती है दोस्तों, यहां पे यदि आप इसे ऑन कर देते हो तो दोस्तों कोई दूसरी वेबसाइट आपका जो डेटा है ना दोस्तों वो कलेक्ट भी नहीं कर सकती है, जो कि दोस्तों आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे और दोस्तों आपके जो फोन की बैटरी है दोस्तों वो बनी की बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पे जाते हो जहां पे दोस्तों काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो दोस्तों वहां पे जब आपका गूगल यहां पे लोड लेता है ना तो दोस्तों उस समय इंटरनेट प्लस दोस्तों बैटरी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। तो दोस्तों आपको इसे हमेशा अपने फोन के अंदर ऑन रखना ही रखना है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं चार नंबर की सेटिंग को, जो कि दोस्तों आपको यहां पे अपने फोन के अंदर इसे ऑन करना ही करना है। अब दोस्तों मैं एक बार इसे बैक कर देता हूं और आपको दोस्तों यहां पे थीम के अंदर आने हैं, और दोस्तों यहां पे आप थीम के अंदर आओगे तो दोस्तों आपको हमेशा यहां पे डार्क पे ही क्लिक रखना है, क्योंकि दोस्तों लाइट में जो है ना और सिस्टम का डिफॉल्ट जो होता है इसके अंदर दोस्तों आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी बैकअप है ना दोस्तों वो डिक्रीज होती है, जल्दी जल्दी आपके फोन की बैटरी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ही इसे दोस्तों यहां पे डार्क मोड में अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को रखना है। यहां से दोस्तों आप 20-30% दोस्तों अपने बैटरी को सेव कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो पांच नंबर की सेटिंग, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप को दोस्तों कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर देगी, यानी कि दोस्तों जो पहले आपका फोन 12 घंटे 24 घंटे चलता था दोस्तों, वो अब आपका 48 घंटे 72 घंटे ऐसे चलेगा दोस्तों इस सेटिंग को ऑन कर देने से। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले पे एक दोस्तों आपको URL शो हो रहा होगा, मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो CHROME, इसके बाद दोस्तों डबल बिंदी वाला क्लोन, इसके बाद डबल स्लैश, इसके बाद दोस्तों आपको फिर से क्रोम लिखना है, डैश URLS और इसके बाद दोस्तों स्लैश। आप इसे अच्छे से देख लेना, आपको स्क्रीन पर दोस्तों जो डिस्प्ले है ना वहां पे दोस्तों मैं इसका लिंक जो है ना वहां पे पेस्ट करूंगा, आप लोग देख लेना। अब दोस्तों यहां पे इसे सर्च करने से दोस्तों आपके फोन के अंदर दोस्तों यहां पे एक पेज होता है, कुछ URL ओपन होते हैं दोस्तों, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, कुछ गलत छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि दोस्तों कुछ गलत छेड़छाड़ कर दोगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों आपके गूगल क्रोम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहां पे सिर्फ जो मैं बताऊंगा वही आपको करना है। आपको यहां पे दोस्तों क्रोम डिवाइस लॉक के नाम से दोस्तों एक सेटिंग मिलेगी, जो कि आप यहां पे देख सकते हो क्रोम डिवाइस लॉक। अब दोस्तों यहां पे मैं इसे एक बार जूम कर देता हूं और जूम करके दोस्तों यहां पे बड़ा कर देता हूं, और यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे एक फीचर्स मिल जाता है जो कि दोस्तों पावर का, यानी कि दोस्तों आपको इस पावर को दोस्तों यहां से ऑफ कर देना है। अब दोस्तों यहां पे इस पावर को यदि आपने ऑफ कर दिया ना, और दोस्तों जब भी आप गूगल करोगे, क्रोम करोगे, तो दोस्तों ऐसा लगेगा कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन का यहां पे बैटरी नहीं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों हवा में बात करेगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों बिना लगेगा कि ऐसे बैटरी का ही आपका क्रोम चल रहा है, यानी कि दोस्तों पहले से दोस्तों कई गुना ज्यादा आपकी बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगी। कितना भी दोस्तों आप यहां पे गूगल करोगे, कितना भी क्रोम चलाओगे दोस्तों, आपके फोन की दोस्तों जो बैटरी है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। दोस्तों एक बार इन पांचों ट्रिक को आप आजमा के देखना, और उसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ट्रिक दोस्तों काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और दोस्तों आइडिया अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फैमिली परिवार के अंदर दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके रेड कलर का बेल नोटिफिकेशन दोस्तों ऑन जरूर कर लेना। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।